स्वास्थ्य मंत्रालय आपसे अपील करता है कि आप स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर शीघ्रातिशीघ्र कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। खबर लिखे जाने तक 199 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1339। प्राइवेट अस्पतालों ने करवाया कोविड उपचार देने के लिए पंजीकरण। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हुमनमल प्याऊ के पास किया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। विवाह शादियों के लिए बैंकेट हॉल में आउटडोर के लिए एसडीएम ने दिए नए आदेश। विधायक घनश्याम शराफ ने किया चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल का दौरा। पांचवी व छठी कक्षा के विद्यार्थियों का आज होगा परीक्षा परिणाम घोषित। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में कोरोना से संक्रमित 199 लोगों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1339 हो गई है। इस बारे में भिवानी के सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने भिवानी वासियों से शीघ्र वैक्सीन लगाने की अपील की है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के 2,39,533 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे तक जिला के विभिन्न अस्पतालों से 199 कोरोना संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घरों में पहुंचे हैं। फिलहाल जिले में 1339 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें तथा वे मास्क का इस प्रकार से प्रयोग करें कि नाक पूरी तरह से ढकी रहे, सोशल दूरी बनाए रखें तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के दौरान घर के सदस्यों से दूरी बनाए रखें। उनको चाहिए कि वे अलग हवादार कमरे में रहें और अलग शौचालय का प्रयोग करें। डॉक्टर के दी हुई सलाह पर ही दवाइयां लें। में भी कल की तारीख की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 1339 यानी 1339 केसेस एक्टिव हमारे पास आज की डेट में हैं अब तक, जिसमें से 1100 के करीब जो केसेस हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और बाकी जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमने जो कैपेसिटी है आइसोलेशन वार्ड्स में वो करीब 100 बेड्स तक की बढ़ा दी है और आज ही हम एक और नया वार्ड भी शुरू कर देंगे जिसमें हम 30 से 35 बेड्स का प्रोविज़न कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जलान हॉस्पिटल को भी एक्टिवेट कर दिया गया है जहाँ पे 40 बेड्स हैं और ESI हॉस्पिटल में भी 40 बेड्स हैं। इस तरह से हमारे पास अभी तक की जो सिचुएशन है वो उसमें हमारे पास बेड्स अभी अवेलेबल हैं। बट मैं ये अपील करना चाहूँगी सभी लोगों से कि जो एसिम्टोमेटिक हैं और जो घर पर ही अपना आइसोलेशन पूरा कर सकते हैं वो घर पर पूरी नियमितता से अपना जो आइसोलेशन है उसको पूरा करें, बाहर ना निकलें और स्ट्रिक्टली जो आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। भिवानी के स्वास्थ्य विभाग ने 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग को टीकाकरण के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी के विभिन्न अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण 28 अप्रैल तक किया जाएगा। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते 6 प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना मरीजों के उपचार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण करवाया है। इन अस्पतालों में 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे तथा 1 मई से प्रत्येक CHC, PHC तथा सब सेंटर लेवल तक
लगभग 200 टीकाकरण साइट बनाकर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को कोविन ऐप तथा आरोग्य सेतु ऐप पर अपने टीकाकरण की जगह का चयन करके रजिस्ट्रेशन कराना हो। वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन जो अब फर्स्ट मई से शुरू किया जा रहा है उसमें 18 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसके लिए हमारे भिवानी में 200 सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन दी जाएगी, क्योंकि ये वैक्सीनेशन अब ANM और सब सेंटर लेवल पर की जाएगी और इसमें प्री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा सभी नागरिकों को। इसके लिए कोविन ऐप पे या आरोग्य सेतु ऐप पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी वोटर आईडी पहचान पत्र का कार्ड आप उसमें एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपना वैक्सीनेशन सेशन साइट भी सिलेक्ट करना होगा। और ऐसा किया गया है कि जो आप वैक्सीनेशन सेशन साइट सिलेक्ट करते हैं उसी पर ही जाकर आपको वैक्सीनेशन भी मिलेगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में अभी तक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड करके समय पर मंगवा लिए जाते हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल जिसमें कोविड मरीज के लिए बेड निर्धारित किए गए हैं उन अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। सप्लाई है सिविल हॉस्पिटल में अभी तक कोई कमी ऐसी शॉर्टेज नहीं देखी गई है। हम जो ऑक्सीजन है वो इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो ऑक्सीजन कम हो रही है, जो शॉर्ट पड़ रही है किसी किसी हॉस्पिटल्स में, उसको भी जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से हम सप्लाई करवा रहे हैं ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े। हमारी जो गैस एजेंसी है वो हिसार गुप्ता गैस एजेंसी से हमें ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। हमारी डेली की जो खपत है भिवानी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो 20 से 25 बड़े सिलेंडर और 10 छोटे सिलेंडर्स जो हमारे डेली के यूज़ हो रहे हैं। इनकी जो फिलिंग है वो हमारे को एक दो दिन के अंदर गुप्ता गैस एजेंसी से हो जाती है। थोड़ी सी कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि कमी हो रही है पर उसको हम समय रहते पूरा कर रहे हैं। एक लोकल एजेंसी भी शुरू की गई है नरेंद्रा गैस एजेंसी भिवानी में जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। इसको भी लाइसेंस दिलवा दिया गया है। इनके पास जो है वो टैंक है लिक्विड ऑक्सीजन जो है गैस को स्टोर करने के लिए और वहाँ से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने सिलेंडर्स भरवा सकते हैं। आईसीयू कितने मैम और ऑक्सीजन की बात करें? एक आईसीयू वार्ड है जिसके अंदर 28 बेड है और अब हमने 3 और एक्स्ट्रा आइसोलेशन वार्ड्स शुरू कर दिए गए हैं जिनकी कुल संख्या मिलाकर हम 100 कर चुके हैं और एक वार्ड शुरू करके हम इसको 1 से 135 तक ले जाएंगे। रोहतक रोड स्थित हुन्नामल प्याऊ के पास न्यू डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोरोना वायरस को भी सम्मानित किया गया। हुमनामल प्याऊ के पास न्यू डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए आज सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं न्यू डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर शर्मा ने बताया कि हुमनामल प्याऊ रोहतक गेट पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, यह एक सराहनीय कदम है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि जो भी लोग 45 वर्ष से अधिक के हैं वे कोरोना वैक्सीनेशन में भाग लेकर अपने आप को सुरक्षित रखें। न्यू डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यहाँ हुन्नामल प्याऊ रोहतक गेट पर जो ये लगाया गया है कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए कैंप, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है जो भी 45 से ऊपर हैं, 45 से ऊपर वाले अपना टीकाकरण जरूर कराएं। ये 100% सेफ है, तभी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है और इसको मान्यता दी है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लगवा सकते हैं। अभी रूल ये है 45 से प्लस का है। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन न्यू डिफेंस कॉलोनी का प्रेजिडेंट हूँ और आज जो हमारे यहाँ हमारी न्यू डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने एक कोविड की इस वैश्विक महामारी के अंदर जो है ना हमारे यहाँ एक वैक्सीन का एक कैंप लगाया गया और उसके अंदर जो है आज जो है हम सभी लोगों से भी अपील की पूरी कॉलोनी के अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस वैश्विक महामारी से वैक्सीन लगवा के इससे कुछ वो फ़ायदा उठाएं। तो आज जो है हमारी जो फ्रंट लाइन
कॉरियर हैं जो हमारी ये स्टाफ है, इनको भी हम आज इनके एक काम को देखते हुए, हालांकि हमारा इतना बड़ा तो नहीं है कि इनके काम को हम वो करें, लेकिन फिर भी हम जो है इनको यहाँ सम्मानित करने का भी काम करेंगे। लोगों से भी अपील करते हैं कि इस महामारी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करें वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो है आप सेफ रहें और आपका परिवार भी सेफ रहे। विवाह व अन्य समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को जानकारी प्रदान करते हुए भिवानी के SDM महेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इंडोर स्थान पर 30 व्यक्ति व आउटडोर में 50 व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। सोमवार को SDM महेश कुमार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विवाह शादियों के लिए बैंकेट हॉल व आउटडोर के नए आदेश जारी किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विवाह शादियों के लिए बैंकेट हॉल के अंदर 30 आदमी तथा बाहर लॉन में 50 आदमियों की अनुमति दी गई है, तथा इससे ज्यादा व्यक्ति मिलने पर तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तथा शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू में यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बैंकेट हॉल वालों को निर्देश दिए कि कोविड के नियमों की पूरी पालना करते हुए ही लोगों को एंट्री कराई जाए। अभी शादी समारोह है, इसके रिगार्डिंग सरकार की नई डायरेक्शन आई है कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए। इसके अनुसार अगर कोई कार्यक्रम इंडोर किया जा रहा है तो उसकी क्षमता का 50% अथवा 30 लोग जो भी कम हैं वही शामिल हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई बाहर आउटडोर में कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोविड के संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में कोविड संक्रमित रोग आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो कार्यक्रम है दिन दिन में ही संपन्न करें, ताकि कर्फ्यू के दौरान ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, तो दिन में ही अपना कार्यक्रम संपन्न करके अपना कम से कम लोगों की संख्या में करें, ताकि संक्रमण की रोकथाम की जा सके। जो 6 बजे का जो समय है वो बेसिकली दुकानें बंद करने का है, और इसके अतिरिक्त जो सरकार की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 6 बजे तक अपना कार्यक्रम संपन्न कर लें। इसके पश्चात अगर कोई कार्यक्रम चलता है तो उसमें SDM ऑफिस से परमिशन ली जाती है उस एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जनरली उसमें देखा गया है कि भाई शादी विवाह का जो कार्यक्रम है वो कर्फ्यू समय से पहले ही खत्म कर जाता है, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम ज़्यादा देर तक चलता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ पहुंचे राहुल नरवाल व CMO डॉक्टर सपना गहलावत ने कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार को पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा स्थानीय घंटाघर स्थित चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें तय किया गया है कि जो कर्मचारी पहले यहां कार्य कर रहे थे उन्हें रखा जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा अस्पताल प्रशासन इस कार्य में लगा हुआ है। वहीं भिवानी में तेल की कमी को लेकर संबंधित कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आज से चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में COVID-19 के लिए कैंटीन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कोरोना के पीड़ितों व उनके परिजनों को खाना मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना से पीड़ित मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, तथा इनको सभी प्रकार की सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोविड को लेकर वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसके ऊपर ये काम हो रहा है। सारे हमारे साथी और हमारे सभी डॉक्टर साहिबान और कर्मचारी सब काम में जुटे हुए हैं। एजेंसियों को बोल दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हॉस्पिटल जितने सिलेंडर वगैरह चाहता है उनको दिया जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रखा जाए। आज से कोविड के लिए हम यहाँ पे एक कैंटीन शुरू कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट और उनके जो संबंधी हैं उनके लिए खाना हम यहाँ से तैयार करवा के देंगे। जो भी समस्याएँ थी हमने उसके बारे में बात की और उन्होंने ये स्वतः ही अपना ये कहा है कि हर चीज़ की सुविधाएं हॉस्पिटल देगा। आज हमारी जो मीटिंग का समय था उसके उसी में मीटिंग में ये तय हुआ कि जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रखा जाएगा। कोई भी राजनेता यदि प्रेशर डालता है तो उसका नाम बताएं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा घोषित। यह कहना है भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह गरीबवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि 9वीं से 11वीं का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को ऑफलाइन घोषित किया जाएगा।
आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी व छठी कक्षा के विद्यार्थियों का सोमवार को परीक्षा परिणाम अवसर ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिसे विद्यार्थी घर पर ही परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। वहीं तकदीर सिंह ग्रेवाल बीओ ने बताया कि मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा पहली व दूसरी कक्षा की मौखिक परीक्षा और तीसरी से आठवीं तक ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है तथा आज 26 अप्रैल को पांचवी और छठी कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और कल 27 अप्रैल को सातवीं और आठवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम अवसर ऐप पर जान सकते हैं, लेकिन नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के बच्चों को परीक्षा परिणाम जानने के लिए अपने विद्यालय में जाना पड़ेगा। मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा पहली दूसरी की मौखिक परीक्षाएं ली गई थी और तीसरी से आठवीं तक ऑनलाइन परीक्षाएं ली गई थी, जिनके परीक्षा परिणाम कुछ क्लासेज के तो घोषित हो चुके हैं। पहली दूसरी के 23 अप्रैल को घोषित किए गए हैं और तीसरी चौथी के 24 अप्रैल को घोषित किए गए हैं। आज 26 अप्रैल को पाँचवीं और छठी कक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा और कल 27 अप्रैल को सातवीं और आठवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके बाद 30 अप्रैल को नौवीं और ग्यारहवीं का ऑफलाइन जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम स्कूल में ही घोषित किया जाएगा। बच्चे अवसर ऐप पर डाउनलोड करके जो है अपना परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। आज पाँचवीं छठी के बच्चे देख सकते हैं, कल सातवीं आठवीं के देख सकते हैं, लेकिन नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों को अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए अपनी संस्था में जाना जरूरी होगा। कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए पहली से आठवीं का बच्चों का जो रिजल्ट है, परीक्षा परिणाम है, वो ऑनलाइन घोषित किया गया है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं और नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चे जो हैं उनका वैसे तो परीक्षा परिणाम सूचना उनके फ़ोन पर भी दी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर बच्चे चाहें तो अपने विद्यालय में आके जो शिक्षण संस्था उनकी है वहाँ आके जो है अपना 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। और इस दौरान उन बच्चों के लिए भी हिदायत होगी कि कोविड-19 की जो हिदायतें हैं उन SOP जो जारी की गई है सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार, भारत सरकार द्वारा, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। रोड स्थित हुन्नामल प्याऊ क्षेत्र में 35 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस बारे में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी SHO पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मृतका मानसिक रूप से परेशान थी, वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। हुन्नामल प्याऊ क्षेत्र में रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पवन शर्मा SHO औद्योगिक थाना क्षेत्र ने बताया कि सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक महिला जिसकी आयु 35 वर्ष है उसने नीम के पेड़ से लटककर फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया तथा शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया। जांच में सामने आया कि महिला कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली कि एक लेडी जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है नीम के पेड़ से रस्सी के माध्यम से लटक के फांसी ले ली। जो इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और उसके डेड बॉडी को FSL टीम द्वारा विजिट करवा के मुआयना करा के और उसको मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद उसकी माताजी मणि देवी को बुलाया गया और उसके बयान अंकित करके पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है। सर क्या पता लगा अभी तक प्राथमिक जांच चली है। प्राथमिक जांच में यही सामने आया है कि लेडी जो है कई दिनों से थोड़ा बहुत मानसिक रूप से अव्यवस्थित थी और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। जैसे जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है जो 3rd क्लास में पढ़ती है, छोटा बेटा जो 1st क्लास में पढ़ता है। कोविड-19 महामारी के चलते रेलवे विभाग ने किया यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियमों में बदलाव। इस बारे में भिवानी के स्टेशन अधीक्षक GK गुप्ता ने बताया कि जिन यात्रियों के पास कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट उपलब्ध है वे प्लेटफॉर्म पर बनी हरी पट्टी पर और जिनके पास कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है वे यात्री पीली पट्टी पर ही चलेंगे। गौरतलब है कि जहां एक और कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा भी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते रेलवे विभाग द्वारा स्टेशन पर पहुंचने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जिन यात्रियों के पास कोरोना रिपोर्ट है उन्हें हरी पट्टी तथा कोरोना रिपोर्ट ना होने वाले यात्रियों को पीली पट्टी के अंदर चलने के आदेश दिए गए हैं। स्टेशन पर हर जगह स्कैनिंग कैमरे लगाने के साथ साथ सैनिटाइज मशीन भी लगाई गई है तथा लोगों को निरंतर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायतें दी जा रही हैं, किंतु स्टेशन पर लोगों का झुंड तथा लोगों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा गया। हमने प्लेटफार्म पे वेटिंग हॉल में सब जगह गोल चक्कर बनवाए हुए हैं
दो दो कलर के हैं, एक पीले कलर का एक हरे कलर का। और जो यात्री अपना कोरोना टेस्ट करा के आएगा उसको हरी पट्टी में चलेगा, और जो कोरोना टेस्ट नहीं करा के आएगा वो नीली पट्टी में चलेगा। पीली पट्टी में। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास कैमरा लगा हुआ है और सैनिटाइजर की मशीन लगवा रखी है, वाश बेसिन लगे हुए हैं हाथ धोने के लिए बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में, और मास्क भी चेक किए जा रहे हैं। अभी तीन पेयर ऐसे हैं जिसमें रिजर्वेशन चल रहा है, किसान, गोरखधाम और कालिंदी, बाकी में जनरल टिकट उपलब्ध है। सोमवार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में कपास की फसल की बिजाई के लिए किसानों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर योगिता बाली ने किसानों को कपास की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। गौरतलब है कि कृषि विशेषज्ञ योगिता बाली ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान कपास की बिजाई इस माह के अंत तक पूरी कर लें तथा खेत में पौधों की सही संख्या के लिए बीज की सही मात्रा का प्रयोग में लाएं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसलों के पौधों के बीच कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें तथा कपास की फसल में पानी कुछ समय छोड़कर देना चाहिए ताकि कपास की फसल की जड़ें मजबूत हो सके तथा कपास की फसल के बढ़िया फुटाव के लिए पूरे खेत की तैयारी सही ढंग से करनी जरूरी है। सबसे पहले जो बिजाई करने से भी पहले एक मुख्य बात है जो मैं हमेशा किसान भाइयों को संबोधित करती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। जब भी आप कोई नई फसल लेते हो, फसल कटने के तुरंत बाद अगर खेत में आपने कुछ नहीं डाला है तो आप पहले मिट्टी का नमूना लें, उसको जांच अवश्य कराएं और उसके आधारित ही और उसके अनुसार ही आप अपनी आगे की फसल का निर्धारित करें आपको क्या लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको क्या खाद डालनी है, किस तरह की मिट्टी है आपकी, क्या बिजाई हुई थी, क्या वैरायटी है, इस बहुत बातें निर्भर करती हैं जिससे आपके जेब पे अतिरिक्त खर्च भी नहीं पड़ेगा और आप एक अच्छी फसल भी ले पाएंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि अभी गर्मियां आ रही हैं, खरीफ की फसल की बात करें तो कपास की बिजाई का समय चल रहा है, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि कपास की बिजाई करते वक्त आपको कुछ मुख्य बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है ताकि जो पिछली बार हमने जो स्थिति झेली थी कपास में, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो, अधिक कीटनाशक का प्रयोग की वजह से हमें बड़ी हानि पहुंची, फसल को तो हानि पहुंची थी बाकी आपका खर्च भी बढ़ा जिससे लास्ट में हमें नुकसान ही झेलना पड़ा। तो सबसे पहले आप प्रमाणित बीज का इस उपयोग करें, जैसे बीटी का अगर बीज लगा रहे हैं तो वो अच्छी दुकान से लिया जाए, प्रमाणित हो। और किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि वो बीज लेते तो बिल ज़रूर लें, क्योंकि बिल आपके पास कल को अगर फसल में कोई नुकसान भी होता है, अगर आप चेक भी करवाते तो आपके पास बिल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रमाणित बीज लें, बीज बिजाई के लिए आपने बहुत ध्यान रखना है, बीज उपचार करें। बीज उपचार की तकनीक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार बताई जाती है, किसी किसान भाई को अगर बीज उपचार की तकनीक जाने तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके उस पूरे तरीके का पता कर सकते हैं कैसे किया जाता है। आपने बीज का चयन कर लिया, आपने बीज उपचार कर लिया, उसके बाद आपने जो बोना है उसमें अपने कतारों की और पौधे से पौधे की दूरी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो फुटाव होता है अगर आपने वो नहीं रखा तो बहुत ज़्यादा गहरी फसल होने के कारण भी आगे चल के काफ़ी बीमारियां आपको सहन करनी पड़ सकती है, फसल ख़राब भी हो सकती है। तो पौधे कतारों से 100 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर तक आपने बनाए रखनी है। उसके बाद जब आपने बिजाई कर ली है तो एक चीज़ का मुख्य ध्यान करें कि कपास की प्रवृत्ति कैसी है, कपास के पौधे की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर आप उसमें पानी थोड़ा रोक कर दें तो वो जड़ें बहुत गहरी नीचे तक ले जाता है और नीचे से पानी उठाता है, तो इससे फसल को नुकसान होने में भी, कभी ऐसा होगा कि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया पानी दे, तो जड़ें जितनी ज़्यादा विकसित होगी, जितनी सिंचाई आप देर से करेंगे उतनी ही जड़ें ज़्यादा विकसित होंगी और आपकी फसल को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे जहाँ रेतीले टिब्बे वहाँ पे फसल जमने के 4 से 5 दिन बाद दें, पौधा उग गया ना उसके 4 से 5 दिन बाद आप सिंचाई करें, और बाकी पहली सिंचाई आप 35 से 45 दिन के भीतर करें। जैसे आम वन पे हम कहते हैं 20 से 25 दिन, पर आप जितने इसकी सिंचाई को रोक लेंगे उतना ही इसकी जड़ें गहरी होंगी, पर ये आपने अपने ही जैसे आप खेत में निरीक्षण कर रहे हैं उसके आधार पर करना है कि अगर आपको लगता है कि पौधा इस पानी की वजह से ख़राब हो रहा है तो आपने पानी देना है, पर अगर आप रोक सकते हैं तो उसको रोक लीजिए। इस तरह से आगे अब आगे चलेंगे, जिस तरह से इसकी बढ़वार हो रही है
तो इसमें खाद की भी उतनी ही मात्रा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि आप अगर मिट्टी पानी की जाँच से आप खादों का निर्धारण करेंगे तो आपके जेब पे अतिरिक्त खर्च भी नहीं पड़ेगा और पौधे को एक जो बैलेंस डोज की हम हमेशा बात करते हैं वो ज़रूर मिलेगी। तो बिजाई के समय 1 कट्टा DAP का, 10 किलो आपने वो डालनी है, 40 किलो पोटाश डालनी है और 10 किलो 21% वाली जिंक सल्फेट डालनी है। ये बिजाई के समय डालनी है। इन खादों का ध्यान रखना, पानी का ध्यान, अच्छे बीज का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ हम आगे आपको जिसमें इसमें बीमारी आती है, सफ़ेद मक्खी के प्रकोप आएंगे या और कोई बीमारी आएगी, वो साथ साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। खबर लिखे जाने तक 199 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1339। प्राइवेट अस्पतालों ने करवाया कोविड उपचार देने के लिए पंजीकरण। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हुमनमल प्याऊ के पास किया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन, कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। शादियों के लिए बैंकेट हॉल व आउटडोर के लिए SGM ने दिए नए आदेश। विधायक घनश्याम शराफ ने किया चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल का दौरा। पांचवी व छठी कक्षा के विद्यार्थियों का आज होगा परीक्षा परिणाम घोषित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।